जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले का भी भला ते सत्संग सुनन वाले का भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी के डिवाइन बुक दिव्य आभा के 38वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज की महिमा का बखान करना असंभव है। हम कहां उतने काबिल हैं कि उनकी महिमा का बखान कर सके। गुरु जी महाराज तो बड़े से बड़े कष्ट तक को टाल देते हैं। वे जो भी करते हैं सदैव अपनी संगत की भलाई के लिए ही करते हैं। संगत जी, जीवन में जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता तो हमारा विश्वास स्वतः ही उन पर से डगमगाने लगता है। यही समय होता है हमारे विश्वास की परीक्षा का। हमें नहीं पता कि आज जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो तो गुरु जी महाराज जानते हैं ना कि वो हमारे लिए सही भी है या नहीं। गुरु जी तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को टाल देते हैं। उनके संरक्षण में आने के बाद तो उल्टे लेख भी सीधे हो जाते हैं। संगत जी, जो भाग्य में नहीं भी लिखा होता वो भी हमें मिल जाता है। बस जरूरत है तो उन पर विश्वास बनाए रखने की। संगत जी, आपको कोई भी कष्ट हो, कुछ भी हो आपके मन में, बस बैठ जाइए गुरु जी के स्वरूप के सामने और बस उडेल दीजिए अपने मन को उनके सामने और अपने आप को हल्का कर दीजिए। अगर हम संगत जी अपने मन की बात उनसे नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे। और यकीन मानिए संगत जी, वो हमारी सब बातों को सुनते हैं और उन बातों का जवाब भी देते हैं और हमें अपने उन कष्टों से, उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। बस उनसे डायरेक्ट करेक्शन बनाइए, हर बात उनसे कीजिए, लोगों के सामने मत रोइए संगत जी, क्योंकि कोई भी हमें हमारी समस्या का समाधान चाहते हुए भी नहीं दे सकता। सिर्फ हमारे प्यारे गुरु जी महाराज ही हमें हमारी हर समस्या का समाधान दे सकते हैं। तो संगत जी, जो भी कहना है गुरु जी से कहिए। आज का सत्संग जी इसी तथ्य से संबंधित है। संगत जी, आज का सत्संग दीपक गुप्ता जी जो कि नोएडा से हैं, उनका है। आइए संगत जी, हम सब भी उनके सुंदर सत्संग को सुन अपनी भी जीवन को सुंदर बनाएं और लाभ प्राप्त करें। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। दुर्घटनाग्रस्त होते हुए गुरु जी को स्मरण किया। 2004 में जब श्री दीपक गुप्ता बड़े मंदिर में का आयोजन की व्यवस्था में कार्यरत थे, उनको एक अन्य भक्त का फोन आया। वह उसको एक थैला देना भूल गए थे। अब उन्हें वह 10 किलोमीटर दूर छतरपुर मंदिर मोड़ पर जाकर देना था। थैला देना अति आवश्यक था। घनघोर वर्षा हो रही थी, सड़क गीली थी और दीपक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे। छतरपुर मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले एक मोड़ पर अचानक उन्होंने देखा कि एक टेम्पो ने मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी, ना ही समय। दुर्घटना निश्चित थी। उन्होंने ब्रेक पर पैर लगाया, अपनी आंखें बंद की और टक्कर से पूर्व गुरु जी को स्मरण किया। धम 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 धनाधन, और उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनकी कार न्यूट्रल गियर में थी और उसका इंजन बंद था। टेम्पो का चालक उनको घूर रहा था। टेम्पो के दोनों ओर कार निकलने के लिए स्थान नहीं था। दीपक विस्मित थे। थैला देने के बाद वे बड़े मंदिर लौट आए। उन्होंने किसी को कार को देखने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने टक्कर की ध्वनि सुनी थी। अचंभे की बात थी कि कार क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और उस पर दुर्घटना के कोई चिन्ह भी नहीं थे। यह चमत्कार ही था कि वे सुरक्षित रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का आज की सेवा के लिए। जय गुरु जी।